बेंगलुरु में वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश को हजारों लोगों ने दी नम आंखों से विदाई। हत्या के खिलाफ पूरे देश में उठी आवाजें। परिवार वालों ने पुलिस को सौंपी सीसीटीवी फुटेज। एनआईए के शिकंजे से परेशान हुर्रियत के आंदोलन की तैयारी। गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक से 9 सितंबर को होगी पूछताछ। हुर्रियत नेताओं ने दिया दिल्ली चलो का नारा। बिहार के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज कांड में रॉकी यादव को उम्र कैद। गया कोर्ट ने दो और आरोपियों को भी सुनाई सजा। साइड ना देने पर कर दिया था कत्ल। सिरसा में बाबा के डेरे में घुसा न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खेती से लेकर कॉलेज और आलीशान होटल्स का है इंतजाम। पुलिस के मुताबिक डेरे ने पंचकुला को जलाने के लिए दिए थे 5 करोड़ रुपए। म्यांमार में मोदी ने उठाया रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा। कहा, हम उनके पलायन से चिंतित हैं, शांति बहाली के लिए हर मदद के लिए तैयार हैं। और यूजर्स प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप का बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग। फेसबुक के साथ केवल फोन नंबर और लास्ट सीन ही करेगा शेयर। हेडलाइंस के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। एक और पत्रकार की हत्या कर दी गई। हथियारों ने समझा कि उन्होंने उस आवाज का गला घोट दिया है जो उनके खिलाफ उठती थी। उन्होंने गौरी लंकेश को मार डाला। लेकिन क्या गौरी मर गई? नहीं, एक और गौरी की मौत कई गौरियों को पैदा कर सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, समझिए। मीडिया के लोग गौरी के लिए सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, पुलिस से गौरी के हथियारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, एजेंसियों से इस हत्या की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या इन तीनों ही जगहों से गौरी को पूरा न्याय मिल जाएगा? गौरी को न्याय शायद ना पुलिस दिला सकती है और ना ही सरकार। गौरी को न्याय तो मीडिया को देना होगा, उस मीडिया को जिस पर आज कई सवाल खड़े हैं। मीडिया में से हर एक को गौरी बनना होगा। गौरी के उन खूबियों को खुद में उतारना होगा जो असली पत्रकारिता के मानदंड और मापदंड पर खरे उतरते हैं। सिस्टम और सरकारों को यह बताना होगा कि गौरी एक नहीं, हजारों हैं, लिहाजा हजारों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। आज चर्चा इसी पर कि क्या यह मुमकिन है। बेंगलुरु में मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए किराए के शूटर्स हायर किए गए थे। हत्या के बाद बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक विरोध हो रहा है। पचपन साल की गौरी लंकेश लंकेश पत्रिके नाम की पत्रिका की एडिटर थी। 15 रुपए के इस वीकली मैगजीन की लिखावट देख विरोधी इतने बौखला गए कि गौरी लंकेश को मौत के घाट उतार दिया गया। बुधवार रात करीब 8:30 बजे बेंगलुरु स्थित अपने घर में जैसे ही लंकेश बाहर आई तो पहले ही तैयार बैठे बदमाशों ने उनके सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गौरी की आवाज वहीं खामोश हो गई। On her chest. From the past 1 hour, they're doing the postmortem. It'll take another 1.5 hours. And the bullet which has gone into her chest, they're not able to find it. They're doing the X-ray. पड़ोस के घर में रहने वाली महिला का कहना है कि उसने बाइक सवार तीन लोगों को भागते देखा। कहा जा रहा है कि हत्यारे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी के साफ दिखाई देने का दावा भी किया गया है। Are given instructions. This case should be taken very seriously, and it should be investigated exclusively by a special team. मीडिया में गौरी लंकेश कोई मामूली नाम नहीं था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। सवाल प्रशासन पर भी उठाए क्योंकि लंकेश को पहले से ही धमकियां मिल रही थी।
2008 में गौरी उस समय सुर्खियों में आई जब उन्होंने बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी के खिलाफ लिखना शुरू किया। इसके बाद बीजेपी नेता ने मानहानि का केस कर दिया था। लंकेश इकलौती ऐसी महिला पत्रकार थी जो अपनी कलम से दक्षिण पंथी ताकतों से लोहा ले रही थी। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। She was very close friend of all those people who value secularism. Not just me alone. Not just me alone. They killed her. लंकेश की हत्या पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत केंद्र के मंत्रियों की तरफ से भी दुख जताया गया, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि आरएसएस और बीजेपी अपने विरोधी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता है, कोशिश जरूर की जा रही है। विचारधारा आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा सच्चाई को दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही है, मगर ये हिंदुस्तान में किया नहीं जा सकता। गौरी लंकेश ने 1980 में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कदम रखा था और उसकी कलम की तेज धार कुछ विरोधियों को पसंद नहीं आई और उसे छलनी कर दिया गया, जिसके बाद देश भर के पत्रकारों में भी रोष बना हुआ है और अब उम्मीद न्याय की है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। एक और पत्रकार की हत्या, और क्या इन हत्याओं से सच को सामने रखने वाले या विचारधाराओं से विपरीत बोलने और लिखने वालों की आवाजें बंद हो सकती हैं? शायद नहीं। आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि गौरी लंकेश अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या उनके विचार मर सकते हैं? क्या उनको पढ़ने वाले, क्या उनको समझने वाले उस विचारधारा को अब संजीदगी से नहीं समझेंगे? कई सवाल हैं जो आज देश भर में उबाल मार रहे हैं। कई जगह गौरी लंकेश की हत्या के बाद प्रदर्शनों का दौर भी चला है, लेकिन उम्मीद न्याय की जिससे है, क्या वाकई वहां न्याय मिल पाएगा? क्योंकि वहां तो आवाज दबाने की ज्यादा बात होती है। मेरे साथ एक पैनल जुड़ गया है, उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, मनीषा दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, संदीप महापात्रा आरएसएस विचारक मेरे साथ हैं, के शर्मा साहब प्रवक्ता बीजेपी के, आदिल सिंह बोपराय प्रवक्ता कांग्रेस, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता वीएचपी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत उर्मिलेश जी आपसे करूंगा। हम जिस व्यवस्था से न्याय मांगने की उम्मीद कर रहे हैं, उसी व्यवस्था पर आरोप ये लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर बोलने की जो आजादी है उसका हक छीन लिया जाता है। क्या हम न्याय सही जगह से मान रहे हैं एक पत्रकार के तौर पर? देखिए, ये व्यवस्था जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं या मांग करते हैं, और व्यवस्था जिससे हमारी नाराज़गी है कि उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं या उसके उसके दायरे में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनके बीच में बड़ा अजीब सा रिश्ता है। क्योंकि व्यवस्था एक प्रतीक है, आप न्याय की जब मांग करते हैं तो व्यवस्था में केवल एक सियासी जो खेमे हैं वही नहीं है, उसमें न्याय विधान है, उसमें एग्जीक्यूटिव है, उसमें नौकरशाही, मतलब तमाम पहलू हैं। तो इसलिए जब कभी कोई संकट की स्थिति आती है, चुनौती आती है, तो मांग जो होती है व्यवस्था से होती है। व्यवस्था का विरोध करते हुए भी आप व्यवस्था से मांग करते हैं और मांग में स्वयं विरोध दर्ज है, तो ये तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्योंकि आप ब्रह्मांड में ब्रह्मा से तो नहीं मांगेंगे, आप किसी ऐसी चीज़ से मांग नहीं करेंगे जो 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 वैक्यूम में हो। एक कॉन्क्रीट स्टेट भले ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है सरकार, और सरकार से मांग की जाती है, तो वो तो ठीक है, जाया जाए। लेकिन ये जो पहलू आज का है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये वाकई हमारी पूरी समाज व्यवस्था के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा आघात है, और ये लगातार हो रहा है। देखिए, अपने देश में पत्रकारों की हत्याओं का सिलसिला पुराना है, ऐसा नहीं है कि हत्याएं पहली बार हुई है पत्रकार की, इसके पहले भी हमने अब देखा कि बिहार में भी हत्या हुई थी राजदेव की, और वो हिंदुस्तान अखबार में काम करते थे। लेकिन ये जो हत्या है उसका भी हम सब ने विरोध किया, हम लोगों ने बकायदे प्रेस क्लब में भी विरोध किया और लिखकर भी विरोध किया। लेकिन ये जो हत्या है, इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, प्रोफेसर कलबुर्गी की या इनकी दाभोलकर की, ये निजी कारणों से नहीं हो रही हैं। बहुत सारे माफिया, गुंडे, लफंगे, क्रिमिनल्स पत्रकार की हत्या अपने निजी कारणों से करते हैं, ठीक है, ये वैचारिक कारणों से हो रही है, बिल्कुल साफ नजर आता है। क्योंकि गौरी लंकेश की किक को लेकर कोई रंजिश व्यक्तिगत शायद किसी की रही हो, ये वैचारिक रंजिश है, इसलिए ये ज्यादा जघन्य और ज्यादा खतरनाक है हमारी पूरी जमहूरियत के लिए। ठीक,
मनीषा दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। मनीषा जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के उनके लेख हैं, जिस तरह के वो बेबाक तरीके से अपनी राय रखती थी, क्या वही उनके मौत की वजह बना, क्या वही उनकी हत्या की वजह बना है, या इसके पीछे अगर हम विचारधाराओं की टकराहट की बात कर रहे हैं जैसे उर्मिलेश जी जिक्र कर रहे हैं, क्या अब उतनी जगह नहीं बची है कि हम अलग अलग विचारों के साथ सहमति नहीं बना सकते, तो एक को हटाना, हत्या करना जरूरी है, क्या हम यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, विचारधाराओं में अलग अलग विपरीत विचारधाराएं हमेशा रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये आज है, लेकिन उसके लिए किसी की हत्या कर देना, इससे घृणित कोई काम नहीं हो सकता है। अगर मेरा और आपका वैचारिक मतभेद है तो हम दोनों वैचारिकता से ही उसकी बात करें, वो अपनी बात कर रहा है, आप अपनी बात करें। उनके जिस संपादकीय को लेके ये कहा जा रहा है कि उसका विरोध था, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उसमें गलत तरीके से मॉर्फ करके कुछ अलग चीज़ें बना के बनावटी चीज़ों से को फैलाया गया, और फैला के वो पूरा एक बड़ा संपादकीय है जिसको कि ट्रांसलेट किया गया है। बेसिक बात ये है, जब हम पत्रकारिता कर रहे होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि सरकार या व्यवस्था जो भी कुछ कर रही है उसमें कोई भी अगर हमें चीज गलत लगती है या जनता के पक्ष में नहीं है या जनता को बरगला रही है, हम उसे उठाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मर्डर कर दिया जाए। आप विचार को विचार से बदल सकते हैं। मैं अपना विचार रखूंगी, मैं एक बात कह रही हूँ, आप उसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत अपनी बात कहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दिया जाएगा। जैसे उर्मिलेश जी ने कहा कि हत्याएं पहले भी होती रही हैं, जैसे कि अभी हम लगातार सुन रहे हैं वो डेरा वाले मामले में पत्रकार की हत्या हुई थी, 15 साल लगे। अभी बहुत सारे लोग ये बातें बता रहे हैं कि आखिर में जीत हुई, आखिर में जीत नहीं हुई। 15 साल आप सोचिए कि आप उसे मार देते हैं, उनका बेटा वो अखबार चला रहा है, लेकिन आप वो किस तरह से जिया होगा, उन्हें कितना डर रहा होगा, परिवार में उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हम उन सब चीजों को क्यों नहीं सोचते हैं, हम उन सब चीजों की बात क्यों नहीं करते हैं? हम अभी सब लोग, मैं देख रही हूँ लोग सड़कों पे निकल आए, कॉमन लोग भी अगर आप देखें सोशल साइट्स पे विरोध कर रहे हैं, कितनी देर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये विरोध जो है एक विरोध, सांकेतिक विरोध हो जाता है। सोशल मीडिया पर अपनी अपनी विचारधारा अनुसार अपने अपने मन मुताबिक लोग अपनी बातें लिखने लगते हैं। इससे पहले हम अपने राजनीतिक मेहमानों से इसकी चर्चा करें, मैं जब रिसर्च कर रहा था गौरी लंकेश जी के बारे में, बहुत रोचक तथ्य उनके बारे में मिल रहे थे, उनकी पत्रकारिता के बारे में और समझने का भी मौका मिला। अमूमन हम लोग उत्तर और दक्षिण में बट जाते हैं, लेकिन दक्षिण से जो एक आवाज़ उठ रही थी गौरी लंकेश की, वो आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। उसमें आपको उनके जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, वो मिल सकते हैं। लेकिन मैं हाल फिलहाल का जिक्र करूंगा, एक मिनट का समय भी लूंगा आप सभी से, कि 22 और 23 मार्च को दिल्ली के राजेंद्र भवन में उन्होंने अपने वक्तव्य रखे थे। कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स टॉपिक था, और सभी वरिष्ठ पत्रकार उत्तर, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट से और वेस्टर्न इंडिया से आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक को लेकर, खासतौर पर वो कर्नाटक की ही बात कर रही थी, कर्नाटक में जो जान से मारने की धमकी है आजकल वो कॉमन हो गई है, उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि डेथ थ्रेट्स आजकल कर्नाटक में कॉमन हो गए हैं। उन्होंने अनंत मूर्ति का जिक्र किया, कलबुर्गी का जिक्र किया, पी लंकेश का जिक्र किया, पूरण चंद्र तेजस्वी का जिक्र किया। ये उस जमाने के पत्रकार थे जो क्रिटिक्स, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सबके बारे में लिखते थे, बोलते थे, लेकिन कभी इस तरह की बात हुई नहीं। लेकिन अब ये कॉमन हो गया है, कल्चर के नाम पर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के नाम पर, अटैक्स ऑन दलित, नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन, लव जिहाद और टीपू सुल्तान की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके ऊपर उन्होंने अपने विचार बिल्कुल खुलकर रखे और उन्होंने एक विचारधारा के ऊपर चोट की। महापात्रा साहब, क्या आपको लगता है कि विचारधारा पर अगर हम चोट करने लगते हैं तो परिस्थितियां जान लेने तक आ जाती हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन दुख की बात यह है संतोष जी, पहले तो मैं अपनी भावनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा गौरी लंकेश जी और उनके परिवार को कि जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं उसके लिए। लेकिन जो सोचने वाली बात है संतोष जी, हम लोगों को सोचना ये चाहिए कि किन परिस्थितियों में ये घटनाएं हुई हैं, और कर्नाटक में ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर संघ के कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है उसके ऊपर कभी कोई आकलन किया ही नहीं है, और ऊपर से आज राहुल गांधी जो जिनके पार्टी आज वहाँ शासन कर रही है वो किसी के ऊपर दोषारोप करना चाहते हैं कि उसके वजह से हुआ है।
ना के कि अपने अंदर झांके कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बैंगलोर जैसी सिटी जहां पे एक समय में बताया जाता था कि बैंगलोर इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, लेकिन आज अगर बैंगलोर में ये हो रहा है तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक विषय है। जहां तक विचार के ऊपर आपने जो प्रश्न किया, मैं आपको ये बता दूं कि आज ये दुख के साथ बोलना पड़ता है कि विचार के लिए आज बहुत सारे जगह हत्याएं हो रहा है, केरल ही क्यों ना हो। पिछले दिनों आपने केरल में देखा होगा, राजेश एक हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या की गई, उनके शरीर पे लगभग 89 चोटें लगी थी उनको। उसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता, पिछले एक साल में लगभग 16 कार्यकर्ता आरएसएस के संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनकी हत्या की गई, क्योंकि वो विचारधारा से एक विपरीत विचारधारा जो कि सीपीएम की है उसको विरोध कर रहे थे। तो ये जो विचारधारा को लेके जो हत्याएं हो रही है, और गौरी लंकेश जी की जो हत्या हुई है निश्चित रूप से वो बहुत ही निंदनीय है, और मुझे दुख इस बात की है 24 घंटे होने के लिए आए आज अभी तक कर्नाटक की जो शासन में है कांग्रेस सरकार, अभी तक जो आरोपी हैं या फिर जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने एसआईटी कर दिया, लेकिन कितने बार ये घटना पहली बार नहीं हुई, जैसे मैंने कहा इससे पहले भी कुछ महीने पहले और भी एक विपरीत विचारधारा जो हमारे विचारधारा जो लोग मानते हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। तो कर्नाटक में ओवरऑल एक अगर आप देखेंगे तो एक इस तरह की परिस्थिति बन रही है कि वहां पे न्याय हत्याओं की तुलनात्मक कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और मैं ये कहूंगा कि आज कांग्रेस शासित होने के कारण उनके ऊपर भी शिकंजा कसनी चाहिए, ना कि इसको एक अलग दिशा में ले जाना चाहिए। महापात्रा जी, ये सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इश्यू होता है, इसको समझाने की और बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम हत्याओं की तुलनात्मक समीक्षा करने नहीं बैठे हैं, आज हम बात कर रहे हैं। बताने की जरूरत है के शर्मा जी, बताने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जरूरत इसीलिए है कि लोग वो बात करना नहीं चाहते, लोग और किसी दिशा में इस बात को लेके जाना चाहते हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, हम किसी दिशा की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते। नहीं, संदीप जी, जरूरत है कि हम बात करें इस विषय में। संदीप जी, इस बात को समझिए, मैंने शुरू में ही इस कार्यक्रम के कहा था हम तो मीडिया इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, और उर्मिलेश जी, मनीषा जी ने कहा कि विचारधारा तो शुरू से रही है। जहां तक बात करना है संतोष जी, मैं आपको ये बता दूं कि जगेंद्र सिंह करके एक जर्नलिस्ट थे यूपी में जिनको जिंदा जलाया गया 2015 में, राजदेव रंजन भी थे सर, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, हम उसकी प्रश्न जो है यही तो हम बात कर रहे हैं। से आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया, लेकिन ये भी है, इस तरह के भी मुद्दे आए हैं। के शर्मा साहब, क्यों इस तरह की बातों को तुलनात्मक समीक्षा में ले जाया जाता है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बड़े बड़े नेता कुछ बोल देते हैं और ये इतनी गंभीर बातें, हत्या जैसे मामले दब जाते हैं। कई कितनी हत्याएं हुई हैं पूरे देश के हर कोने में हुई है, पत्रकारों के नाम लेना अगर मैं शुरू करूं तो कम पड़ जाएगा। हम क्यों इस तरह की बातों को, गंभीर मुद्दों को हम पर्दे के पीछे छुपा कर अपने एजेंडे को सामने रख देते हैं? संतोष जी, सर्वप्रथम तो मैं जो पत्रकार जो गौरी लंकेश जी की हत्या हुई है उसकी निंदा करता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि किसी भी तरह का, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, किसी की भी हत्या वैचारिक आधार पर यदि हो रही है या किन अन्य कारणों पर हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है और उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन प्रश्न इसमें है, देखिए आपने इसमें शुरुआत किया कि क्या उनको वाकई में उनको न्याय मिल पाएगा, न्याय कैसे मिलेगा? इसकी शुरुआत यदि आपको करनी है तो आपको पहले से आप अपना मन मस्तिष्क तय न करें, मेरा एक सुझाव है इस पे। इसलिए मन मस्तिष्क तय न करें क्योंकि अभी कर्नाटक जब इनकी हत्या का जो प्रकरण आया सामने उसके बाद वहाँ पर तीन तरह की थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी है कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने इस अंक में डीके शिवकुमार के संदर्भ में भी कुछ लिखा है, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए हैं, एक विषय वो है। एक विषय जो कर्नाटक के गृह मंत्री ने इशारा किया है कि नक्सलियों का एक एंगल है उसमें, और एक तीसरा विषय जो एक वर्ग विशेष द्वारा उठाया जा रहा है कि विचारधारा का जो है वो असमानता है। तो इसको जांच के तक जाने दीजिए और जांच के जांच पहुंच के देखिए कि वे वास्तव में ये विचारधारा का इशू था या ये भ्रष्टाचार का ओपन जो हो रहा था उसका इशू था या ये कुछ नक्सली विषय उस पे से जुड़ा हुआ विषय था, तब जाकर इस पर वास्तविक बहुत अच्छी पॉइंट। लेकिन इसका एक रिपोर्ट ले लेते हैं सर, एक एक करके मैं एक निवेदन कर दूं आपको, यदि इसको राजनीतिकरण करने की कोशिश होगी जो काम आज सुबह जो है जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने किया, ठीक है, तो यदि राजनीतिकरण होगा तो इसमें न्याय नहीं मिलेगा। न्याय इसलिए नहीं मिलेगा और राजनीतिकरण इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं पर मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। न्याय नहीं मिलेगा ये कहना उचित नहीं है। नहीं, न्याय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यदि आप यदि उस राजनीति, क्योंकि वहां राहुल गांधी के ही सरकार है,
राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कल ही सुप्रीम कोर्ट में, जब डीएसपी गणपति के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर अपना जो ऑब्जर्वेशन दिया है, आदिल बोपराई स्पष्ट है, आदिल बोपराई जवाब दे रहे हैं जी, उसमें स्पष्ट है, आदिल बोपराई को सुन लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बीजेपी रूल स्टेट्स की मैं आपको लिस्ट बताने लग गया तो आज पूरा एक घंटा लग जाएगा। सो अब एक मिनट इशू पे, मुद्दे पे आ जाए और मुझे बोलने का अवसर दीजिए। सबसे पहले संतोष भाई, ये जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है इसका हम निंदन करते हैं और इस समय पे हम अपने कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करते हैं। जो गौरी लंकेश जी के परिवार हैं और उनके मित्र थे उनको हम अपने कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी बात, आज हमारे देश को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। अब मैं बताता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ। गौरी लंकेश जी ने स्टार्टिंग से, जब उन्होंने अपना जर्नलिज्म में करियर शुरू किया, उन्होंने स्टार्टिंग से संघ और उनकी रिग्रेसिव विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे जग को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने जो ये उन्होंने फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ बोला की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, वर्ग वर्ग को लड़ाई करने फ्रिंज, का फ्रिंज एलिमेंट्स वो हमेशा नाम लेती है, हर वर्ग को और देश को बांटने, जो देश को बांटने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। ये फैक्ट है, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी कोई भी, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनकी उनकी जर्नलिज्म इस बेसिस पे थी। अब मैं आपको दो तीन और चीजें बताना चाहता हूं कि आप एक कॉमन पैटर्न और मोडस ऑपरेंडी देखिए, बिकॉज अभी तक आपके कोई पैनलिस्ट ने ये बात नहीं उठाई। जब दाभोलकर जी का हत्या की गई थी, जब पंसरे जी की हत्या की गई थी, जब कलबुर्गी जी की हत्या की गई थी, उन्होंने भी अपनी आवाज भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के खिलाफ उठाई थी। और आप देखिए, पैटर्न देखिए और मोडस ऑपरेंडी देखिए, आपने उनके अपराधियों को पकड़ा है, हत्या हुई थी मोटरसाइकिल पे, आपने उनके अपराधियों को पकड़ा। सर देखिए, बोलने का अवसर दीजिए, देखिए देखिए आज आज एक बहुत ही महान महिला की हत्या की गई है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, थोड़ा शर्म कीजिए आज, थोड़ा शर्म कीजिए, हत्या हुई उसके बाद थोड़ा शर्म कीजिए, आपने देश को बांटने की राजनीति बहुत कर ली है। नहीं बांटने की नहीं, सच की राजनीति होने की, जो हत्या पे लाश पे राजनीति जो कर रहे हैं उस पर मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं इस डिबेट के डेकोरम को खराब नहीं होना देना चाहता। जब एक पत्रकार, जब एक पत्रकार की हत्या होती है सर, यही दो विधान है संघ की। आदिल सुनिए, आप साइलेंस करना चाहते हो, आदिल सुनिए, नहीं कोई साइलेंस नहीं कर रहा है, सबको बुलाया हुआ, सबका अपना मंच है, को हम साइलेंस नहीं करना चाहते हैं। आज संघ के स्वयंसेवकों को मारा जा रहा है, आज संघ के स्वयंसेवक अगर कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर लगाया जा रहा है। विजय शंकर तिवारी आप ये करेंगे, वीएचपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विजय शंकर तिवारी वीएचपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी बात करेंगे। अगर अगर हम लव जिहाद की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अगर हम लव जिहाद की घटनाओं की बात करते हैं, अगर हम गौ हत्या की बात करते हैं, अगर हम किसी और दूसरे ऐसे विषय की बात करते हैं, तो क्या हम उस पूरे मामले में इतने अटैकिंग मोड में आ जाएंगे विजय शंकर तिवारी जी कि हम जान ले लेंगे? संतोष जी, यहाँ ये गौ हत्या और लव जिहाद कहाँ गया? नहीं, क्योंकि एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, आपने प्रश्न कर लिया, मुझे नहीं, क्योंकि ये बात हमेशा बोल दी, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर उर्मिलेश जी पत्रकार बैठे हैं, अमीषा जी पत्रकार बैठी, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं केवल प्रवक्ता नहीं हूँ, पत्रकार हूँ। संतोष जी आप भी पत्रकार हैं, मैं पहले वाले विषय पर पहले ले जाना चाहूंगा, देश में एक मिनट, नहीं नहीं मैं संक्षेप में बोलूंगा, देश में अभी तक जरा एक गणना ये बता दीजिए, वैचारिक आधार को लेकर कितनी पत्रकारिताओं की हत्याएं हुई है, एक बात ये हत्या, और सीधे सीधे अभी कुछ भी नहीं हुआ और राहुल गांधी जी ने सीधे सीधे संघ का नाम ले लिया, ये एक देश भर देख रहा है। दूसरी बात ये है कि एक मिनट जो संघ के विरोध में बोलने वाली ये पहली पत्रकार है क्या? इसके पहले संघ के विरोध में किसी ने नहीं बोला क्या? संघ के विरोध में वैचारिक विपरीतता में उर्मिलेश जी बोलते हैं, एक मिनट उमेश जी बोलते हैं, देश में बहुत सारे पत्रकार बोलते हैं, इसका मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए। इसलिए पहला डिस्कोर्स गलत ढंग से जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने संघ का नाम ले लिया, हम भी बैठकर बिना निर्णय के, किसी ने कोई जांच पड़ताल भी नहीं की है, सीधे सीधे संघ और दक्षिणपंथी नाम ले रहे हैं। मुझे लगता है डिस्कोर्स गलत दिशा में जा रहा है, इसको आप जांच होने दीजिए और अपने संवैधानिक जो संस्थान है कुछ आशा करिए, उन पर कुछ बांटने का भरोसा आपने शुरू किया। अगर वो कहती है अभी तक लड़ाई, एक मिनट रुक जाइए, राहुल गांधी बचकाना बयान देंगे, ये
इंडिया में आशा नहीं है। राहुल गांधी को सपना आ रहा था कि संघ ने किया है, राहुल गांधी को सपना आ रहा था, यानी इतना इतना बचकाना और इतना इतना एक मुहिम चलाई हुई आरएसएस हल्का बयान राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के सरकार है, गुनगुना बजा रहे हो, नेता से हमें अपेक्षा नहीं थी। आपकी वहाँ सरकार है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? एक देश को आप अभी तक किसी को नहीं पकड़ा, आपकी सरकार बजा रहे हो, आप जांच पड़ताल कराइए। और सीधे सीधे मैं कहता हूँ राजनीति कर रहे हो, इतने सारे पत्रकार की हत्याएं हुई, एक भी नाम बताइए जहाँ पर वैचारिक हत्या हुई है। आप सीधे सीधे इस प्रकार टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, हम इस पूरे मामले को अगर इस गंभीर समस्या पर ही रखें, उर्मिला जी मैं आ रहा हूं आपके पास। गौरी लंकेश की हत्या पर नोएडा के राजस्थान पत्रिका न्यूज रूम से पत्रकारों की राय हमारे पास आई है, जरा वो भी सुनिए, पत्रकारों को सुनिए सर, राजनीति ही मत बतियाइए, पत्रकारों को भी सुनिए। आरोप है कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या उनके बेबाक विचार और लेखनी की वजह से की गई, लिहाजा ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं वो कितना आज़ाद है। राजस्थान पत्रिका के दफ्तर में कुछ पत्रकारों से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, जिस तरह गौरी लंकेश की हत्या की गई, घर में घुसकर बुलेट दागी गई, क्या क्या दिखाता है ये? ऐसा लगता है कि ये उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है जो सच बोलते रहे हैं, चाहे सच बोलने का साहस दिखाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब उसका सामना विचारों से नहीं किया जा सकता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और यह एक इसे एक शब्द में कहें तो यह कायरतापूर्ण कार्रवाई तो है ही, और हम सभी इससे चिंतित भी हैं और इसकी व्यवस्था तो करते हैं। जिस तरीके से मुकेश बता रहे थे कि एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल हो गया आज के दौर में, वाकई लगता है ऐसा पत्रकारों पर जिस तरीके से माहौल जी रहे हैं, कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है ये तो दिख रहा है, ताज़ा उदाहरण है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है कि लाइमलाइट में रहते हैं बड़े शहरों के पत्रकार, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो एक जानी मानी शख्सियत थी उनकी इस तरीके से हत्या कर दी गई, छोटे शहरों के पत्रकारों का क्या हो रहा होगा, किस तरीके से वो निपट रहे होंगे, किस दबाव में वो काम कर रहे होंगे, सच को लाने का जज्बा कहीं ना कहीं किसी डर के आगे या तो लड़ता है या तो मरता है, या तो डरता है या तो मरता है। अब बता भी रही थी मेधावनी कि छोटे कस्बों के जो पत्रकार होते हैं, स्ट्रिंगर्स होते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, जाने माने चेहरे होते हैं, खबर बनती है, विद्रोह होता है, विरोध होता है, पर जो छोटे कस्बों के पत्रकार हैं उनका जीवन कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, हाल ही में ये घटना सामने आई भी थी बिहार में, आपने देखा कि पत्रकार राजीव रंजन की जिस तरह से हत्या हुई, और इसने लगातार तमाम खबरें इस तरह की आती रही हैं, और पिछले 4-5 सालों में पूरे देश दुनिया में ही पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हुए हैं। जो हालात सीरिया और इराक में हैं तकरीबन वैसे ही हालात बनाने की कोशिश की जा रही है देश में भी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो एक ब्लॉगर थे उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद पूरी दुनिया में इस तरह के सवाल उठे थे, और भारत में जो सच के साथ खड़े हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को लगातार कत्ल किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। लेकिन ये मानना चाहिए कि पत्रकार डरेंगे नहीं और वो एक ऐसे समय में फिर एकजुट होकर खड़े होंगे। सचिन बोल रहे थे हुकूमतें, बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया, तो मौजूदा हुकूमत कटघरे में है या हम देखते आए कि पिछली सरकारें भी इस तरीके की रोक लगाती रही हैं? सरकारें रोक लगाती रही हैं, लेकिन सच एक ऐसी चीज़ है जो हजम करने में बहुत दिक्कत होती है, कोई भी ज़माना रहा हो, पुराना ज़माना हो, अभी हो। अभी क्या है, इतना ज़्यादा एक्सपोज है, मीडिया है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, लोग जागरूक हैं, सुन रहे हैं, लोगों का डर होता है, क्यों हत्या क्यों, आपका सच सामने ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें संविधान ने दी हुई है, लेकिन उसकी रक्षा करना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ को समझे कि जितना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत करना है तो जो चौथा स्तंभ उसको भी मजबूत करना होगा, और मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए ताकि वो अपनी बात खुल के रख सकें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सच से जो लोग डरते हैं, मतलब उनको तो पत्रकारों से डरना ही चाहिए स्वाभाविक तौर पर, और जो भी पत्रकार से डरते हैं ये समझ लीजिए कि वो सच से डरते हैं,
और बस यही कहना चाहूँगा और क्या। जो पत्रकारों से डरते हैं समझ लीजिए सच से डरते हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ राजस्थान पत्रिका से न्यूज वर्ल्ड इंडिया। पत्रकार हमेशा आपको आगाह करता है, पत्रकार हमेशा अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको घटना की सच्चाई बताता है, तथ्यों से अवगत कराता है, लेकिन अगर इन तथ्यों से, घटना की सच्चाई से अगर किसी को डर लगता है तो क्या अब विरोध का एक तरीका हत्या ही बच गया है? चर्चा हमारी जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक। तो ये जो अब बात सामने आ रही है कि गौरी लंकेश को लेकर 3 SIT बना दी गई है और अगर परिवार चाहता है तो CBI जांच होगी, सिद्धरमैया साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। मनीषा जी, आपने तथ्यों को सुना इस पूरी चर्चा के दौरान, हालांकि इस पूरे मामले में राजनीतिक तथ्य और तुलनात्मक मौतों की समीक्षा ज्यादा देखने को मिली। क्या ऐसी घटनाएं देश के हर कोने में पत्रकारों को डरा कर, धमका कर, उनकी हत्या कर कर क्या एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, आपको ऐसा लगता है मनीषा जी? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है इसमें हमें सिर्फ हम जर्नलिस्ट ही ना बोलें, सिर्फ मीडिया का काम नहीं है, ये जनता का भी काम है, क्योंकि सिर्फ एक मीडिया ही ऐसा माध्यम है जो आपको वो सारी बातें बताता है जो कि जनता तक नहीं पहुंचती हैं। अगर हम निष्पक्ष बात आपको नहीं बताएंगे, आपको कभी असलियत नहीं पता चलेगी, वो सरकार के पक्ष में हो, सरकार के खिलाफ हो, किसी संगठन के पक्ष में हो या संगठन के खिलाफ हो। ये बात मैं मानती हूँ कि हमें एकदम कंक्लूजन पे सीधे नहीं चले जाना चाहिए कि हत्या सिर्फ इसी कारण हुई या किसी भी एक बात को हम कारण ना मान लें। ये तहकीकात होनी चाहिए और ये सच बात है कि जो बात RSS और VHP के लोग कर रहे हैं कि आप पहले तहकीकात करिए। सरकार वहां पर विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ये देखे कि ऐसे कौन से कारण है। अगर वाकई में ऐसा कोई कारण है तो आप उसे भी एक्सपोज करिए, उसके लिए तो हम बैठे ही हुए हैं, हम ही तो बताते हैं ये बात और कोई नहीं बताता। आप अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी बोल रहे हैं तो उसे बताने वाला, जनता तक पहुंचाने वाला मीडिया है। मीडिया नहीं पहुंचाएगा तो आपको लगता है नहीं पहुंचेगी। नहीं, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में भी एजेंडा सेट हो जाते हैं क्या? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की सियासत में एक अजीब तरह का रिवाज चल पड़ा है और उसमें मीडिया भी उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं, भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, क्योंकि सियासतदान जितने जिम्मेदार इसके लिए हैं उतना हमारा मीडिया भी है, मेनस्ट्रीम मीडिया खासकर, और खासकर टेलीविजन चैनल्स, और ये मैं खुलेआम ये बात कहता रहा हूँ। देखिए, मैं 2-3 पहलू छोटे छोटे आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और मैं अपने तीनों मित्रों से चाहूंगा जो संघ विचारधारा से जुड़े हैं, क्योंकि इस पैनल में 3 लोग संघ विचारधारा से जुड़े लोग हैं और मैं कांग्रेस का, जब सरकार थी 10 साल, मैं कांग्रेस, मुझे कह देते थे लोग आप कांग्रेस की निंदा करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। अभी कई बार बोलता हूं तो लगते हैं भाजपा का विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पत्रकार हूं तो मुझे पत्रकार के तौर पे बोलने दिया। और आप किताब जम्मू कश्मीर पर लिखते हैं। जी हाँ, तो इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। 2-3 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो एक प्रश्न आपने उठाया और जो के शर्मा जी ने जवाब दिया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता का, मैं 2-3 चीजें उस पर स्पष्ट कर दूं। पहली बात कि दाभोलकर की हत्या 2013 के अगस्त में हुई थी, 2013 के अगस्त महीने में। पानसरे की हत्या 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में हुई थी। इन दोनों जगहों पर इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है जी, बीजेपी की सरकार है। और इन्वेस्टिगेशन जो पहले से चला आ रहा था, ये याद रखिए कि ये हत्याएं आमतौर पर चुनाव से एन पहले हुई थी या चुनाव के दौरान हुई थी या उसके आसपास हुई थी। तो ये इन हत्याओं की जो जांच की निगरानी है हाईकोर्ट कर रहा है, हाईकोर्ट। तो यह केवल नहीं कहा जा सकता जैसा के शर्मा जी कह रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो केवल जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती पहले की हत्याओं की। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने जो जांच की निगरानी कर रहा है दाभोलकर और कलबुर्गी के, सॉरी, आई मीन पानसरे की हत्या में, एक की जांच CBI कर रही है, दूसरी की CID कर रही है, और कुछ भी अभी तक खास इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ सिवाय इसके
कि राइट विंग ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं हत्या 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 के मामले से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राइमरी फैक्ट्स, ये प्राइमरी आया है स्वयं जांच में, एक ये है कि राइट विंग ग्रुप्स हैं इसमें, ये वो कह रहे हैं संकेत है। हाई कोर्ट, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट को 20 मार्च 2017 का ऑब्जर्वेशन है सुनवाई के दौरान, आई एम कोटिंग हाई कोर्ट प्रोसीडिंग, जांच में अब तक पाया गया है कि दोनों के हत्यारे एक जैसे हैं और वे राइट विंग ग्रुप से जुड़े हैं। ये जांच की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो फैक्ट्स रखा हाई कोर्ट में, उसको ये प्रोसीडिंग में कहीं दर्ज हुआ है, मैं उसको कोट कर रहा हूं। अब तीसरी बात, कलबुर्गी साहब की हत्या अगस्त 2015 में हुई, 2015 में जो हत्या हुई कलबुर्गी साहब की, प्रोफेसर कलबुर्गी, ये इनकी हत्या कोल्हापुर में हुई, ठीक है जी। अब ये सभी लोग एक तरह के लोग हैं, ये कभी क्रिटिक्स हैं, हाँ, इनको आप ये नहीं कह सकते एक विचारधारा के हैं, अलग अलग धाराएं हैं इनकी, ये क्रिटिक्स, कोई तर्कशास्त्री है, कोई वामपंथी पार्टी से जुड़ा रहा है, कोई बुद्धिजीवी है, तो ये जो सिलसिला एक चला है, देखिए किसकी सरकार है, कहां कोई बिल्कुल वो जिम्मेदार है, लेकिन यह जरूर देखा जाना चाहिए कि आखिर कौन सा वह वैचारिक द्वंद है जो विचारधारा से हटकर हिंसा की तरफ बढ़ गया है। भारत में इस वक्त पत्रकारिता की साख पूरी दुनिया में गिर रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट हो रही है, यह बात पूरी दुनिया जान रही है। हम अपने को महान लोकतंत्र कहते हैं, हम सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 180 मुल्कों की सूची में भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का जो ग्राफ है अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाई इंटरनेशनल एजेंसीज, वो 136वें नंबर पर है, यानी हम भारत में 136वें नंबर पर हैं, हम लोग 180 मुल्कों की सूची में, पत्रकारिता में ईमानदारी का ही डेटा है जी, ये हाल है, अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा, मैं ये कह रहा हूं अभिव्यक्ति की आजादी में, और केवल हम खुश हो सकते हैं हमारे हिंद राष्ट्रवादी भाई कि पाकिस्तान हमसे भी थोड़ा नीचे है। नहीं नहीं नहीं, केके शर्मा, अजीब बात है, केके शर्मा, तो आप जो हैं, जो देखिए गौरी लंकेश की जो हत्या है, यह इस पर जिस तरह की एक 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 सेकंड और लेंगे, देखिए गौरी लंकेश की हत्या पर जो राइट विंग कुछ एजेंसीज हैं, खासकर वेबसाइट्स हैं, खासकर जो सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर लोग हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, वो किस तरह की बातें लिख रहे हैं, कोई कह रहा है एक कुतिया, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं जानबूझकर कोट करता हूं, एक कुतिया कुत्ते की मौत क्या मरी, सारे पिल्ले एक सुर में बिलबिला रहे हैं, एक राइट विंग एक्टिविस्ट कह रहा है जिसको फॉलो करते हैं सेंटर के बड़े बड़े मंत्री, एक पूर्व रेडियो प्रस्तोता कहती हैं, जो अपने को कहती हैं कि हाँ वो दक्षिणपंथी विचारधारा हैं, और अब एक खास धर्म का नाम लेती हैं कि उसकी कट्टर समर्थक हैं, कि गौरी लंकेश वामपंथी नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाली हिंदू विरोधी और व्यवस्था विरोधी महिला थी, एक 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 वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कहती है कि ये इसी लायक थी, जो जैसा किया वैसा भरा। अब इन इस तरह की बात एक डेमोक्रेसी में वे लोग कह रहे हैं जो विचारधारा से जुड़े होने का दावा करते हैं, जो किसी धर्म से जुड़े, आइए बताइए हमको कौन सा ऐसा धर्म है, इनका भी धर्म, कौन ऐसा धर्म है, मेरा धर्म जो कहता है कि निर्दोष को मार डालो, एक एक करके एक एक महिला, करके और महिलाओं की तो ये लोग कहते हैं। महापात्रा साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं, अर्मले जी, महापात्रा जी, आपने बहुत सारी तुलनात्मक समीक्षाएं की, हत्याओं की बात की, उसको राजनीतिक हत्याओं से भी जोड़ा, सिरे से खारिज करना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि ये जो आंकड़ा अभी उर्मिलेश जी ने दिया है, अब पत्रकारिता की एक अपनी साख भी है, ऐसा नहीं है उर्मिलेश जी कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ पत्रकार हैं जो लड़ भी रहे हैं और इसको जिंदा रखे हुए हैं, आप ये बताइए कि ये परिस्थितियां ऐसी विकराल हो जाएंगी तो उम्मीद किससे की जाएगी? देखिए उर्मिलेश जी से मैं, जो उर्मिलेश जी ने हमारे पास तथ्य रखे, ठीक है, सहमत हूं, लेकिन उर्मिलेश जी को मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इस हत्या के बाद ये कह रहे हैं कि ये सैफरन टेरर या भगवा टेरर, भगवा आतंकवाद का हिस्सा है, ये कहां तक जाया जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक हत्याओं की आपने बात की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी, मैंने पहले भी कहा था, जोगिंद्र राणा एक उत्तर प्रदेश में पत्रकार थे, उनको जिंदा जला दिया, उस समय कौन सी सरकार थी जो आपने नाम गिना है, उस समय कौन सी सरकार थी? अगर हम ये कहें कि भाई सरकार जो भी हो रही हो, लेकिन हम केवल मात्र तो एक तार्किक स्तर पर सभी को सरासर गलत होगा, हम सभी के खिलाफ हैं, हम तो कह रहे हैं, और स्टेट ने वहां पे काम नहीं किया है, तो आप स्टेट के जो वहां पे शासक है उनको भी ये प्रश्न करिए, केवल मात्र ये प्रश्न करके हमने सबके साथ प्रश्न किए हैं, मैं तो ये कहता हूँ एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए,
और दूध का दारू दार पानी का पानी होना चाहिए। नहीं, उन्माद कहां से पैदा हो रहा है? वो कोई भी ये जो हिंसक उन्माद है, कड़ी सजा देनी चाहिए के शर्मा साहब, ये जो हिंसक उन्माद है, किसी और को भी इस तरह करने का हिम्मत ना हो। मैं तो ये कहूंगा केवल मात्र इसको विचारधारा के पहलू से देख के, और केवल मात्र संघ और संघ विचारधारा को आप अगर कहेंगे कि भाई इन लोगों के कारण हुआ तो सरासर गलत होगा। नहीं, ठीक है, पत्रकारिता के बिल्कुल साथ में संघ का नाम तो किसी ने लिया इस बहस में, अब तक संघ का नाम किसी ने नहीं लिया, इसको राजनीति से ना जोड़े। महापात्रा जी को कहीं निकलना है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। के शर्मा साहब, ये ठीक है हाईकोर्ट के कुछ ऐसे पहलू थे जांच के जो सामने अभी उर्मिलेश जी ने रखे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि एक दूसरे को ऊपर तोहमत लगाने से, एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक बयानबाजियां करने से क्या ये घटना कम हो जाएंगी? क्या इस तरह की वारदातें बढ़ेंगी नहीं? इस बात की गारंटी कोई भी लेगा? हम ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मैं पहले ही कहा संतोष जी कि देखिए ये जो घटना है इसका एक सही निर्णय तक, जो बात मनीषा जी कह रही थी कि इसका पहले एक कैलकुलेशन तक पहुँचिए कि ये क्यों हुआ है, इसको पहले से ही कोई वैचारिक आवरण यदि आप पहना देंगे तो ये इसको समझना मुश्किल होगा। उर्मिलेश जी जो बात उर्मिलेश जी ने कही कि साहब हमने सबका विरोध किया, लेकिन आप सबका विरोध तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में राजनीतिकरण भी करवा रहे हैं ना, उसका राजनीतिकरण ये कर रहे हैं कि उसको एक पहले से एक विचारधारा का जामा पहना देते हैं और एक कैलकुलेशन में आप खड़े कर देते हैं। लेकिन इसकी निंदा, इसीलिए आपने जब आप उसके मूल मुद्दे तक नहीं पहुंचेंगे और पहले ही उसको एक आज प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें क्या कर रही है राजनीतिक पार्टी, क्या कर रही होगा, क्यों आपने राजनीतिक आप मीडिया का वो कर रहे हैं ना, मीडिया की न्याय की बात कर रहे हैं ना, अभी जो प्रेस क्लब में आज जो यहां पर प्रदर्शन हुआ है उसमें राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, क्यों आपने सम्मिलित होने दिया? इसका मतलब आपने तो पहले ही राजनीतिकरण कर लिया उसका, आप न्याय की बात कहां तक पहुंचेंगे? आप क्या जवाब दीजिए इसका, उर्मिलेश जी बताएं इस बात को कि क्यों वहां अलाउ किया हुआ? उर्मिलेश जी आप अपना पक्ष रखने आए हैं किसी किस किसी नहीं, को मैं उनसे विचार जानना चाह रहा हूं, मैं विचार जानना चाह रहा हूं देखिए क्या होता है। शर्मा जी मुझे कहने दीजिए तब। देखिए ऐसा है कि मैं प्रेस क्लब का अवसर ही नहीं देंगे तो क्या? अरे सर आ रहे हैं आपके पास, जवाब उर्मिलेश जी से मांग लिया। देखिए मैं प्रेस क्लब का पदाधिकारी नहीं हूं लेकिन मैं प्रेस क्लब का सदस्य हूं और मुझे इसका फक्र है कि प्रेस क्लब एक अच्छी बॉडी है हमारे यहाँ, अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि पार्टियां क्यों नहीं आईं, जहां तक मेरी जानकारी है पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। पार्टियां आईं सर, एक सेकंड पूरी बात तो सुन लीजिए। सर मैं तो राजनीतिक दल का नहीं हूं, मेरी बात सुन लीजिए। सभी देखिए किसी पार्टी को नहीं बुलाया गया था, यहां तक कि पत्रकारों की जो सूची थी वो भी अपनी अपनी बात लोग अपना नाम दे रहे थे कि हम भी बोलेंगे। हम तो बहुत पीछे खड़े थे, हमने तो अपना नाम भी नहीं दिया, हम तो खड़े थे, बल्कि टेलीविजन चैनल वाले कुछ आए उन्होंने बाइट ली। मेरी जो जानकारी है इस बारे में ऑथेंटिक आपको जानकारी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से मिल सकती है कि जिन राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों के लोग वहां आए इस घटना से दुखी होकर, क्षुब्ध होकर, आक्रोशित होकर, उन्होंने कहा कि भाई हम भी कुछ कहना चाहते हैं श्रद्धांजलि स्वरूप, उनको शायद उन लोगों ने जगह दी। आपकी पार्टी गई है, आपकी पार्टी अगर गई है, मैं नहीं जानता गई थी कि नहीं, आपकी पार्टी को भी वो देते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां, एक जो भारतीय जनता पार्टी जो शासक पार्टी है इस समय है उसको ये कह दे कोई प्रेस क्लब में कि आपको बोलने की आजादी हम नहीं देंगे, हिम्मत नहीं है किसी की। मेरा कहना है कि बीजेपी को जरूर जाना चाहिए था, अगर नहीं गई बीजेपी तो जरूर चुकी है, लोग अपने मन से गए, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमको श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ कहने दीजिए। उर्मिलेश जी देखिए मैं आपको, मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूँ उसमें एक सामान्य रूप से न्याय के लिए आवाज़ उठाना कोई भी उठाए, उसमें राजनीतिक दल उठाए, आपके जो मीडिया कर्मी को तो उठाना ही चाहिए, बिल्कुल इस बात को उठाना चाहिए और जानने का वो हक सबको है, और जो अभी अन्य लोग उसमें राय रखना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, उसका कोई वो नहीं। लेकिन क्या है कि आप वहाँ पर एक यदि उस पूरी घटना को एक विषय पर आधारित कर देंगे, उसका कैलकुलेशन आज ही घटना के पहुंच निर्णय आने से पहले ही आप यदि निर्णय सुना देंगे और उसको यदि किसी राजनीतिक उसके जाने की तरफ पहना देंगे तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है, मैं राजनीतिक दल वहां यदि आ रहे हैं तो उसका मैं कोई विरोध कर रहा हूं ऐसा नहीं कह रहा, इसलिए मैंने कहा कि आपकी पार्टी को भी जाना चाहिए था। बिल्कुल कह रहा हूं, हमारी भी सहानुभूति, हमने सुबह सहानुभूति हो गया, अधिकांश मंत्रियों ने सहानुभूति रखा है, संवेदना व्यक्त किया है, हम भी कर रहे हैं। आदिल साहब आप क्यों इस तरह, आप कोई सर एक मिनट सर नमस्ते सुनाइए ना, उसका निर्णय मत सुनाइए जब तक जांच नहीं होती सर है। ऐसा है कि स्टूडियो में बैठ के बोलने का मौका ज्यादा मिल जाता है, बाहर वाले लोग जो है ना थोड़ा परेशान हो जाते हैं। आदिल आपकी शिकायत है कि समय नहीं मिल रहा है, लेकिन एक पूरी मामले की एक तथ्य और जो तफसील से सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि आप किस तरह से
आप किस तरह से बिना जांच किए, अभी आईजी कर्नाटक इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, 3 SIT बनी है, आरएसएस और तमाम विचारधाराओं का नाम खुले तौर पर आपके उपाध्यक्ष ले लेते हैं। सीधा सवाल है आपसे और सीधा जवाब दीजिए, अगर सबूत है तो सामने रख दीजिए। देखिए संतोष जी, चार पांच पॉइंट्स हैं मेरा, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। पहली बात, कल से हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक कैरेक्टर असैसिनेशन की मुहिम चली हुई है आरएसएस और बीजेपी के ट्विटर हैंडल से। कई ऐसे लोग हैं, अमरलेश जी ने अभी पॉइंट आउट किया है, जो जिन्हें प्रधानमंत्री साहब केंद्र के बहुत दूसरी बात मैं जो बोलना चाहूंगा, अरे बोलने तो दीजिए, यही आपकी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, आपकी इंटॉलरेंस इतनी बढ़ चुकी है कि आप एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को सुन नहीं सकते। ये आपकी दुविधा है, आपकी इंटॉलरेंस और विचारधारा और पॉइंट ऑफ व्यू का यही कारण है, यही कारण से उनकी हत्या की गई है, क्योंकि कोई ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आगे रखे तो आप उसे कल से आप एक महिला बोलने तो महिला हो या पुरुष हो, पुरुष भी वही है, महिला भी वही है, बच्चा कोई भी मरता है, सबके प्रति कोई भी ठीक नहीं है, सब निंदनीय है, शर्म आनी चाहिए, शर्म तुमको आनी चाहिए, गौरी लंकेश, अरे विजय जी आपको आनी चाहिए, इस तरह से नहीं, साइलेंस किया गया है, आप सुनिए, आप सामने भी काम किया गया था, ठीक है, दाबोलकर साहब को किया गया था, बेशर्म हो गए आप लोग, ये क्यों है कि जो संघ के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, सुनिए हमारी अध्यक्ष संघ के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो भी अपनी संघ के खिलाफ आवाज उठाता, विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, सर लोकतंत्र में कुछ अभिव्यक्ति होती है, सुन तो लीजिए सर, उनको साइलेंस किया जाता है, ये संघ की राजनीति है, मैं कहता हूँ आपने हत्या की उसकी, आपने हत्या उसकी की है, बताइए स्पष्टीकरण दीजिए, आपने हत्या की है, आपने यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, आप इंटॉलरेंस के प्रतीक हो, ये आप ये इंटॉलरेंस आप करते हैं, इंटॉलरेंस की प्रतीक उमर है, उमर इसी चीज के खिलाफ गौरी लंकेश ये लड़ रही थी, किसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती इसी विचारधारा के खिलाफ, इसको वैचारिक मतभेद में ही रहने दें, इसको एक दूसरे के ऊपर लाकर प्रेस इंडेक्स में सिचुएशन बिल्कुल नहीं पोजीशन बदतर हो, ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया सुनिए। मैं कोई दोराय नहीं, कोई संदेह नहीं कि उनकी हत्या के पीछे कट्टरपंथियों का पूरा पूरा हाथ है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि उनकी हत्या करने के बाद चिंगारी पूरे पूरे देश में और उनके विचार पूरे देश में फैलते ही जाएंगे। पत्रकार लंकेश्वर के विचार होंगे कामयाब, पत्रकार लंकेश्वर के विचार होंगे कामयाब, एक नो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पत्रकार लंकेश्वर के विचार होंगे कामयाब एक दिन। गौरी लंकेश की नृशंस निर्मम हत्या की जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी, यह एक आक्रोश की घड़ी है समूचे पत्रकार जगत व जनमानस के लिए। अगर कलमकार व वरिष्ठ पत्रकार, वो भी महिला पत्रकार, सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं। अगर यह सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है तो निसंदेह प्रजातंत्र के लिए घातक व खतरे की घंटी है। इस प्रकार से निडर वरिष्ठ पत्रकार की क्रूरतम हत्या चौथे स्तंभ पर प्रहार है जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं। आज सारा पत्रकार जगत, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में स्तब्ध रह गया है इस घोर निंदनीय घटना के बारे में जानकर। सर्वत्र इस घटना की विश्वव्यापी निंदा की जा रही है। इस तथा कथित साजिश की तह तक पहुंचना नितांत आवश्यक है ताकि दूध का दूध व पानी का पानी हो सके और हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रह सके। लोगों की ये राय है, लेकिन एक बहुत स्मॉल रिएक्शन है कि जी आपसे कि क्यों
इस तरह से इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। अभी देखिए स्टूडियो में भी कुछ देर पहले ही कितना इंटॉलरेंस था। अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, आदिल को कोई सुनना नहीं चाहता, आदिल अपनी बात खत्म नहीं करते हैं, उनकी एक लाइन को पकड़कर पूरी लकीर पीटने लग दी जाती है। ये क्या स्थिति है? इसका कारण ये कि देखिए, ये कल ये इस घटना के बाद से कांग्रेस ने इसको जिस ढंग से लीपापोती करके और इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की, उससे लोग आहत हैं। मूल विषय ये है, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ, इसमें इनकी सरकार ने वहां SIT बनाई है, SIT की करके वो जो SIT बनी है, आप समझे, पहले भी इन्होंने गणपति जो DSP थे उन पर SIT बनाई, कल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इनको लताड़ लगाई वहां पर। ये क्या है, लीपापोती न करें और उसको प्रॉपर जांच कराएं, आवश्यकता पड़े तो CBI की जांच कराएं और जांच करा के उसके कंक्लूसिव निर्णय पर पहुंचे और जो अपराधी हैं उनको पकड़ें और उनको सख्त से सख्त सजा दें, यही उसमें आवश्यक है। सरकार वहां पर जो है, राज्य सरकार जिसके पास कानून और व्यवस्था है, वह कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह से बहाल करे और पूरी हमारी मांग है कि उसकी जांच होनी चाहिए, बकायदा जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और अपराधियों को पूरी सजा पार्टी क्या एक्सपोज कर देना था उसके बारे में। ठीक है तो ये जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उर्मिलेश जी, हम अपनी बातों को तथ्यों के तौर पर रख रहे हैं और आदिल साहब और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें जल्दबाजी कर दी, अब ये जो मामला है क्या ये दब जाएगा? नहीं, मैं इस पर राजनीति हावी हो रही है। नहीं, मैं किसी राजनेता की किसी टिप्पणी पर कोई कमेंट इस मुद्दे पर नहीं करना चाहता, क्योंकि BJP के भी नेता, RSS के भी नेता कमेंट ऐसे ही करते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि इस मामले में, गौरी लंकेश के मामले में, जिस तरह का एटीट्यूड अब तक दिख रहा है समाज के कुछ खास हिस्सों का, खासकर जो वर्चस्व की शक्तियां हैं जिनको आप पावर ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, वहां जरूर ये बात है कि इस हत्या से उपजे हुए जनाक्रोश को कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपना बचाव करना चाहते हैं। और सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि जो कुछ हुआ है बड़ा निंदनीय है, सवाल यह है कि उसके लिए इनिशिएटिव क्या ले रही है सरकार। और इस मामले में केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देश को देख रही है। जब कोई स्टेट्स में कहीं कुछ होता है, भाई आप CBI की जांच होती है, CBI की जांच में केंद्र की एजेंसी है CBI, आप देखिए ना, पानसरे और दाभोलकर की जांच जो है, एक CID कर रही है, एक CBI कर रही है, आखिर अब तक क्या हुआ? तो ये पूरे देश में विश्वास पैदा किया जाना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा भी कि इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस, बौद्धिक सहिष्णुता को बरकरार रखा जाना चाहिए, संविधान सम्मत जो मूल्य हैं हमारे, साइंटिफिक टेम्पर से लेकर के और व्यक्त की आजादी, तमाम मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके विचार के आधार पर नहीं उसको घेरा जाना चाहिए, उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग शासक पार्टी के समर्थक हैं, वो ही सोशल मीडिया पर उस महिला पत्रकार, देश की जानी मानी एक चिंतक, उसकी हत्या पर जश्न मना रहे हैं। तो ये जो और जश्न मना रहे हैं, तो ये हत्या पर जश्न कौन लोग मनाते हैं संतोष, मुझे कहना नहीं है। ये कम से कम जो भारतीय संस्कृति के दावेदार अपने को कहते हैं, कतई ये भारतीय संस्कृति के दावेदार नहीं हो सकते, मनीषा जी, भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। मनीषा जी और आदिल जी, बहुत संक्षेप में मैं पहले जो प्रश्न करूंगा उसका जवाब मनीषा जी देंगी। इनटॉलरेंस अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टूडियो में भी दिखाई दिया कि किस तरह से अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को दबाते हुए जो लोग हैं उनको, आवाज को दबाया जा रहा था और अपनी अभिव्यक्ति को ऊंचा किया जा रहा था। स्टूडियो में ही सबूत मांग लेना, शायद मेरे को लगता है पहली बार ऐसा हुआ है किसी स्टूडियो में कि आप सबूत दे दीजिए जो आप बोल रहे हैं। अब यहां तक नौबत आ गई है मनीषा जी, आप के साथ तो बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, अब कुछ आप बोल देंगी तो उसमें भी सबूत मांग लिया जाएगा। नहीं देखिए, ये इस पार्टी का दुर्भाग्य है कि इनके यहाँ बौद्धिकता की बहुत कमी है, ये कहते हुए मुझे बहुत खराब लग रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं, जब आप किसी धर्म की तरफदारी करते हैं और दूसरे को कंडम करते हैं, उसे अपने विचार से करिए, आप बात करिए, मैं भी बात करूं। अपने यहाँ तो कहा ही जाता है निंदक नीरे राखिए। जब आप सरकार में हैं, आप व्यवस्था में हैं, आपको अगर आईना दिखाया जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। अगर कोई कह रहा है कि ये चीज गलत है, तो आप उसके खिलाफ बोलिए, मुंह से बोलिए, लिख के बोलिए। आदिल, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जल्दबाजी कर गए, बहुत संक्षेप में? देखिए संतोष जी, ये क्यों हो रहा है कि जो भी व्यक्ति संघ के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है उसको साइलेंस किया जा रहा है। कलबुर्गी जी, दाभोलकर, पानसरे
और अब गौरी लंकेश जी, जो भी आवाज उठाता है संघ के खिलाफ उसे साइलेंस किया जाता है, उन पे सीबीआई की रेडे होती हैं। आप हिंसा की जो विचारधारा इस देश में जो आगे आ रही है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरी बुरी चीज है। ये एक चैलेंज है हमारे आगे, और ये चैलेंज मेरा ये मानना है कि देश का हर राइट थिंकिंग इंडिविजुअल, संतोष जी आप, बाकी पैनलिस्ट, हमारे लिए ये एक चेतावनी है, ये चेतावनी है कि हमें महात्मा गांधी जी के वे ऑफ लाइफ पे आगे बढ़ना है, या जो आरएसएस और संघ का वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, लेकिन इसको इस आइडियोलॉजी को आगे रखते हुए, ये बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे लिए आगे। आदिल, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए किसी और के कंधे पर बंदूक नहीं रखनी चाहिए। पत्रकार राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है, पत्रकार अपना काम ईमानदारी से करता है, सवाल उठा सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं, लेकिन जब आप उन्माद की स्थिति में आ जाते हैं और उस उन्माद की स्थिति को राजनीतिक हथियार बना लिया जाता है, तो हाल गौरी लंकेश की तरह होता है। लेकिन गौरी लंकेश की आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है और विचारों के जरिए ही आगे भी लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलेश जी, मनीषा जी, आदिल जी, आप मेरे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही।